पावन श्रावण मास का पावन प्रदोष काल है। आइए इस अवसर पर एक संक्षिप्त किंतु विचारपूर्ण चर्चा करें। आज का विषय है दुख। दुख क्या है, क्यों होता है? श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक जीवन को दिशा देने वाला है। भगवान वेदव्यास ने गागर में संपूर्णतः सागर समाहित कर दिया, ऐसा वह श्लोक कहा जा सकता है। क्या है वह श्लोक? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। जिनके नाम का कीर्तन भजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनको प्रणाम करने मात्र से सारे सांसारिक दुख नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परम प्रभु श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि इसमें इस श्लोक में सांसारिक दुख नष्ट होने की बात की गई, तो आखिर यह सांसारिक दुख है क्या, क्यों होते हैं? तो कहा जा सकता है कि दुख के पहले चिंता होती है। चिंता मुक्त नहीं हो पाते, इस कारण दुख होता है। चिंता भय के कारण होती है। जब हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना से भय होता है, तब हम भय मुक्त होने की चिंता से ग्रस्त होते हैं। और जब चिंता मुक्त नहीं हो पाते तो दुखी हो जाते हैं। सीधा सूत्र है। हम अवसाद ग्रस्त तब होते हैं जब चिंताग्रस्त होते हैं, और चिंतित तब होते हैं जब भयभीत होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम भयभीत क्यों होते हैं? इसका मूल कारण यह है कि हम ईश्वर को पूरे मन से विश्वास नहीं करते। हमारी ईश्वर में आस्था शाब्दिक ज्यादा है, वास्तविक कम है। जरा विचार कीजिए कि अगर इस विद्यमान जगत में जड़ चेतन कण कण अणु अणु में परम सत्ता ईश्वर का वास है, यह हमारे यहां कहा गया है, और अगर हमें ईश्वर में विश्वास है तो इस वस्तु इस बात में भी भरोसा होना चाहिए। जब सब में ईश्वर का वास है तो किसी से भयभीत होने का क्या कारण? जो कुछ हो रहा है जब ईश्वर इच्छा से हो रहा है तो हमें भयभीत होने का क्या कारण है? किसी घटना से हम क्यों भयभीत हो रहे हैं अगर हम ईश्वर में भरोसा करते हैं? तो सीधी सी बात है कि अगर हम वास्तव में ईश्वर में भरोसा करते हैं तो हम ईश्वरीय सत्ता को अंतर मन से स्वीकार करें। अंतर मन से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने से ही जीवन पथ सुगम होगा, भय मुक्त होगा, चिंता मुक्त होगा, और यही एकमात्र मार्ग है जीवन को सुखी बनाने का। जब हम ईश्वर को स्वीकारते हैं तभी हम यह मान पाते हैं कि ईश्वर विश्व के हर प्राणी में घट घट वासी है, अविनाशी है, व्यापक अंतर्यामी है, अमल अनंत अकामी है, और वही सब में विद्यमान है। तब हमें ना किसी से भय होता है और ना भय मुक्त होने की चिंता सताती है, और
और जब चिंता नहीं तो दुख किस बात का। यही वह आदर्श स्थिति है जिससे हम निर्भय, निश्चिंत व सुखी हो सकते हैं। हम निर्भय होंगे तभी निश्चिंत होंगे, जब निश्चिंत होंगे तब ही सुखी होंगे। चिंता मुक्त व्यक्ति ही सुखी होगा, और चिंता मुक्त वही होगा जो निर्भय होगा, और निर्भय वह होगा जो ईश्वरीय सत्ता में पूरे मन से भरोसा करेगा। जब हर एक में ईश्वर विद्यमान है तब वह हर एक को प्यार करेगा, हर एक को प्रेम करेगा। जब हर एक को प्रेम करेगा तो हर एक उससे प्रेम करेगा, और इस तरह प्रेम का सागर लहराएगा। ईश्वरीय सत्ता में पूर्ण मन से विश्वास करें तभी हम सुखी होंगे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, गैर जब बचा न कोई भी, सब दुखों का अंत हो गया।